उसमें देखा है कि गांव के हालात तो बहुत ही ख़राब थे। जिन गांव तक हम पहुंच नहीं सकते थे, गांव के लोगों ने मदद करके मुझे अपने वाहनों से, क्योंकि हमारे वाहन पानी के उस पार थे जहां पर हम अंदर वाहन को लेकर नहीं आ सकते थे, तो इन लोगों ने अपने वाहनों से हमें मदद। क्या नाम था आपका भाई? जी राजभान सिंह। राजभान सिंह, आप किस गांव के निवासी हैं? जी लखनपुरा। लखनपुरा के रहने वाले हैं ये। इन्होंने अपनी बाइक से मुझे लिफ्ट देकर दो तीन गांव का दौरा कराया, जिसमें हमने देखा है कि गांव के लोगों का हाल बहुत ही बुरा था। गांव के लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे थे रहने के लिए। तो अभी आप यहां पर जो ये गांव है जी, यहां से कितनी दूर था ये गांव है? ये कम से कम सर 2 किलोमीटर की कम से कम दूरी होगी सर यहां से। 2 किलोमीटर इन्होंने अपनी बाइक से मुझे लिफ्ट दी और मेरे वाहन, आप सारा कैमरामैन जरा देखते हुए चलिए, क्योंकि हम लोग पानी में चल रहे हैं तो अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि सड़क कहाँ पर है और गड्ढा कहाँ पर है। आपका नाम क्या है भाई? मलखान सिंह। मलखान सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे किरावली नीमरी लखनपुरा तक जो दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है भाई? सुशील। सुशील जी, ये है सुशील जी। इन लोगों ने अपनी तीनों मोटरसाइकिल से हम 6 लोगों को, हमारी सर्वोच्च दर्पण की टीम को, 3 गांवों में घुमाया है। जो हमने देखा है वहाँ पे मंजर बहुत ही बुरा था, लोग बिल्कुल उदास चेहरे से बात कर रहे थे और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अभी तक कोई प्रशासन हेल्प कर पाएगा। और गांव के लोगों का मानना था कि अभी तक कोई राहत और बचाव की सामग्री यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई है। कैमरामैन अनिल चौधरी के साथ मैं कृषिकांत, सर्वोच्च दर्पण न्यूज़, इटावा।